नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम लेसन नंबर 13 जिसका नाम है नीति के दोहे, जिसके लेखक श्री है रहीम जी। रहीम जी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, उनके दोहे बहुत ही प्रख्यात है, जग विख्यात है। उनके दोहे बहुत सारे दोहे हमने देखे भी हैं, सुने भी हैं। और उनके दोहे में क्या होता है कि कुछ समझना, कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि कुछ उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, उससे कहीं कुछ हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसे विचार उतारने के, वैसे उनके दोहे होते हैं। उनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना था और वो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत ही प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहुत सुविख्यात थे। जीवन के व्यावहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सत्संग में व्यक्त किया है। यहाँ पर रहीम जी का परिचय दिया गया है, उनका पूरा नाम, उनके पिताजी का नाम। और रहीम जी अकबर के नवरत्नों में से एक रह चुके थे, ये याद रखना। रहीम जी को बहुत सारी भाषाएँ भी आती थी और सभी में वह विद्वान थे। और यहाँ पर जो दोहे यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, उस दोहे में उन्होंने परहित के बारे में बात की है और किस तरह से संबंध, यानी कि हमारे पास कितना धन होता है, बहुत धन होने के बावजूद, यानी कि धन इतना भी धन हो जाए हमारे पास तो क्या होता है, कि धनी लोगों का सब क्या करते हैं, अच्छी तरह से रीत निभाते हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा करते हैं। जिसके पास, जो गरीब है, दीन है, उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार भी नहीं करता। और आगे दोहे में उन्होंने क्या बताया है कि छोटे लोगों को देखकर बड़ों की उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। ये मनुष्य की बात भी है और चीज वस्तुओं की बात भी है कि छोटी वस्तुओं को देखकर बड़े की उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। और कि कड़वे वचन बोलने वालों की स्थिति भी यहाँ पर बताई गई है। और उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति, उत्तम व्यक्ति यानी कि उसके उत्तम विचार, उसके संस्कार भी हमें देखने को मिलते हैं। और बिगड़ी हुई बात, एक बार जो कांच का शीशा होता है वो टूट जाए तो उसे फिर हम जोड़ने की कोशिश करें तो वो जुड़ेगा नहीं, यहाँ पर भी वो बात रहीम जी ने बताई गई है। उनके बहुत सारे दोहे हैं कि वो दोहे में से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। यहाँ पर भी दोहे, बहुत सारे दोहे हैं कर रहीम जी के, और उस दोहे में से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। अब हम दोहे स्टार्ट करेंगे। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिया नहीं पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचे ही सुजान रहीमा, संपत्ति सुचे ही सुजान। यहाँ पर रहीम जी ने क्या कहा है? तरुवर फल नहीं खात है, यानी कि तरुवर यानी कि वृक्ष अपना फल खुद खाता है, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है। उसी तरह ज्ञानी पुरुष यानी कि जो परोपकार यानी कि जो विद्वान पुरुष है वो परोपकार के लिए ही जीते हैं। धन संपत्ति का संग्रह क्यों करते हैं? दूसरों के हित के लिए वो धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। तरोवर यानी कि वृक्ष, फल यानी कि वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते हैं, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है। रहीम जी यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है, विद्वान है, वो अपनी संपत्ति का उपयोग किस तरह से करता है? दूसरों के हित के लिए वो अपनी धन संपत्ति का उपयोग करता है। और दूसरे दोहे में यहाँ पर क्या कहा है रहीम जी ने? कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जेक से तीसा जे मीत रहीमा, तीसा जे मीत। यहाँ पर रहीम जी ने क्या कहा है कि हाँ, जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है ना, तब लोग तरह तरह
तरह के उसके सगे बन जाते हैं। धन दौलत संपत्ति मान मर्यादा इस तरह ये सारी बात क्यों बताई गई है यहाँ पर रहीम जी ने, तो कि जब हमारे पास मनुष्य के पास संपत्ति होती है ना, तब उसके सगे वाहले बहुत सारे होते हैं, रिश्ते जोड़ने के लिए लोग बहुत सारे लोग उससे रिश्ते जोड़ने के लिए आते हैं। पर जब उसके पास कोई भी संपत्ति नहीं रहती है, जब वह विपत्ति यानी कि मुश्किल परिस्थिति में रहता है, तब उसका कोई सगा नहीं होता है, तभी वो मनुष्य की कसौटी होती है जो उसका सच्चा मित्र होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है दुर्योधन और कर्ण का, कि किस तरह से दुर्योधन और कर्ण की मित्रता की हमारे बात की गई है, कि कर्ण ने अपने परिवार को भी छोड़कर अपने मित्र यानी कि दुर्योधन का साथ दिया था विपत्ति के समय, यानी कि कसौटी के समय हमें किस तरह से अपने मित्र का साथ दे रहा है। कसौटी उसी टाइम होती है कि तब पता चलता है कि हम कैसे मुश्किल समय में हैं, और उस समय के अंदर हमें हमारा सच्चा मित्र कौन होता है, वो सच्चे मित्र की परख हम तभी कर सकते हैं। यहाँ पर यही बात बताई गई है कि मनुष्य के पास संपत्ति तो होती है, तब लोग तरह तरह से उसके सगे बन जाते हैं, उससे रिश्ते जोड़ने के लिए आ जाते हैं, पर सच्चे मित्र की कसौटी तभी होती है जब वो उसके मित्र जब मुश्किल में हो तब उसके साथ हो रहे, उसके साथ बातचीत करें, उसके जो जरूरत हो जरूरत उसकी पूरी करें, तभी सच्चा मित्र वो कहलाता है। रही मन देखी बड़न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तरवारी, रही मन कहाँ करे तरवारी। यहाँ पर रहीम जी क्या कहना चाहते हैं कि हमें बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्यों ऐसा कहा है कि बड़ों को देखकर हमें छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्यों? तो कि जब बात यहाँ पर की गई है कि सुई कितनी छोटी सी होती है और तलवार कितनी बड़ी होती है, पर तलवार का काम क्या होता है, युद्ध के अंदर दुश्मनों का सामना करने के लिए हम तलवार का उपयोग करते हैं, और सुई का कपड़े सीने के लिए। अगर तलवार का काम हम सुई को दें और सुई का काम तलवार को दें, तो ये पॉसिबल है नहीं है। यही बात यहाँ पर रहीम जी कहना चाहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। जो काम छोटे कर सकते हैं वो काम छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती। अगर हम तलवार से कपड़े सीने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हो सकेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकता है। अब आगे हम दोहे में देखते हैं, दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न को, वो सबको आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। हम कहीं भी जाए ना कोई बड़े बड़े मंदिर की ओर, कि कोई भी ऐसी कोई ऐसे बड़े बड़े प्रतिष्ठित जगह पर हम जाए, तो बाहर देखते हैं कि किस तरह से वो लोग बाहर बैठे होते कुछ मांगने के, तो वो उनकी आशा भरी दृष्टि क्या होती है कि क्या वो आ रहे हैं, वो मुझे कुछ देंगे, मुझे मेरे लिए कुछ। वो गरीब और असहाय लोगों को क्या होता है कि वो सबको आशा भरी दृष्टि से ही देखते हैं, उन पर उनकी ओर तो कोई नहीं देखता है, दया की दृष्टि से उनकी ओर कोई नहीं देखता है। जो गरीब लोग हैं ना उनकी सहायता करे तो सब लोग उसे क्या कहते हैं, भगवान का दर्जा देता है। यहाँ पर यही बात बताई गई है, दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोय, यानी कि गरीब की दृष्टि क्या होती है, गरीब की दृष्टि क्या होती है, वो क्या देखता है कि कोई असहाय
जो गरीब है वो आशा भरी दृष्टि से किसको देखता है कि कोई आने वाला है मुझे कुछ देगा, यही आशा भरी दृष्टि से वो देखता है। और जो कुछ भी वो देख कर जाता है वो दीन बंधु सम होए, दीन बंधु यानी कि भगवान, भगवान के समान यहाँ पर बात की गई है कि वो हमारे लिए भगवान के समान है। और यहाँ पर जो बात की गई है कि परोपकार की भी बात यहाँ पर की गई है कि किस तरह से परोपकार हमें करना चाहिए। संस्कृत में भी एक श्लोक दिया गया है कि किस तरह से परोपकाराय फलंती वृक्षाः परोपकाराय वहंती नदियाः परोपकाराः दहंती गावः परोपकारार्थ इदं शरीरः। यहाँ पर परोपकार की बात की गई है कि परोपकार किस तरह से हमें परोपकार करना चाहिए। तो परोपकार का मतलब क्या है कि वृक्ष क्या करता है, परोपकार से ही हमें फल देता है। नदी, नदी भी बहती रहती है और नदी का पानी हम सब पीते रहते हैं, वो भी एक परोपकार है। गाय, जो गाय होती है वो भी दूध देती है, वो भी एक परोपकार है। इसी तरह से यहाँ पर परोपकार की बात की गई है कि किस तरह से परोपकार हमें करना चाहिए। इसके आगे के दोहे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।